हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अदानी ग्रुप से जुड़ा हुआ जो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा मेरे को कंपनी लगता है अदानी ग्रीन, और जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कंपनी काम करती है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो कंपनी है इसका रिजल्ट आ चुका है Q4 का, तो Q4 क्वार्टर 4 2020-21 का यहाँ पर से रिज़ल्ट आ चुका है। तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट है वो कैसा आया है, यहाँ पर कंपनी बहुत ज़्यादा पी से, मतलब आप लोग पी देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा है कंपनी का। तो यहाँ पर आप लोगों को कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है इस क्वार्टर एंड क्वार्टर हम कंपेयर करेंगे परफॉर्मेंस, और उसके साथ साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी का जो रिजल्ट है उसको मतलब देखेंगे कि कैसा आया है। तो ये सारी की सारी चीज़ों को हम मिला के एक कंक्लूजन लाएंगे शेयर की मूवमेंट के ऊपर। तो ये वीडियो अंत तक देखते रहना, कंपनी ने क्या डिविडेंड दिया है कि नहीं वो भी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, सबसे पहले डायरेक्टली शेयर के ऊपर चलता है। तो यहाँ पर से आज के दिन 5 मई को इसका कंपनी का रिज़ल्ट देखने को मिल जाता है अदानी रिन्यूएबल्स और अदानी ग्रीन, यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले कंपनी का जो डिविडेंड की बात की जाए, तो कंपनी का जो डिविडेंड का अनाउंसमेंट फर्स्ट या सेकंड पेज में आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर नीचे की तरफ डिविडेंड का अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा तो आप लोग को बताऊँगा। उससे पहले यहाँ पर जो डायरेक्टली जो रिज़ल्ट है उसके ऊपर चलता था। तो यहाँ पर से रिज़ल्ट की बात की जाए तो कंपनी का जो टोटल इनकम है, इनकम देखो यहाँ पर से इनकम देखने के से पहले जो अमाउंट्स है वो सारी की सारी करोड़्स में, ये चीज़ याद रखना। और यहाँ पर आप लोगों को टोटल इनकम की बात करें हम क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर हम कंपेयर करेंगे कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। और यहाँ पर इनकम की बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में पावर सप्लाई और उसके साथ साथ सेल्स गुड रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ग्रुप गुड और अदर ऑपरेशन रेवेन्यू को मिलाकर यहाँ पर से कंपनी ने यहाँ पर टोटल इनकम को मिलाकर यहाँ पर से आप लोगों को टोटल इनकम देखने को मिल जाती है 2,229 करोड़ रुपीज़ की कंपनी ने इनकम की है इस क्वार्टर के अंदर, जो कि कंपनी का जो इनकम है एकदम बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर से हम बात करें कंपनी का जो क्वार्टर एंड क्वार्टर परफॉर्मेंस बढ़ता ही जा रहा है जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस की बात करें तो इनकम के मामले में, टोटल इनकम के मामले में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं टोटल एक्सपेंस के बारे में, तो टोटल एक्सपेंस आप लोगों को देखने को मिल जाता है यहाँ पर आप लोगों को परचेस ऑफ ट्रेड इन स्टॉक्स ट्रेड ये सारी चीज़ें मिला के यहाँ पर से टोटल एक्सपेंस देखने को मिल जाता है 2,063 करोड़ रुपीज़ का इस कंपनी ने इस क्वार्टर में एक्सपेंस किया है। जो यहाँ पर से देखो रेवेन्यू तो बढ़ा, चलो इनकम तो बढ़ी है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक्सपेंस भी इतना ज़्यादा बढ़ चुका है ना, तो इसमें जो रिज़ल्ट है इसके ऊपर ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। पर क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का जो परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप लोग ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर लेते हैं, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी यहाँ पर से पहले 2020 मार्च क्वार्टर के अंदर यहाँ पर कंपनी ने 14 करोड़ रुपीज़ का ओनली प्रॉफिट किया था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स किया था। और अभी की बात करें 2021 मार्च क्वार्टर को कंपेयर करें तो यहाँ पर से 153 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया है, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स किया है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी यहाँ पर से कंपनी ने अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है, जो भी अगेन एक अच्छी बात है। अभी हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लेते हैं, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी यहाँ पर से इजाफा ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में यहाँ पर पिछले क्वार्टर में यहाँ पर से डिफरेंट टैक्स में यहाँ पर ऐड किया गया था, जो टैक्स है उसको ऐड किया गया था। तो अभी की बात करें तो इसकी वो ऐड होने के बावजूद भी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है इतना ज़्यादा खास है था नहीं। तो यहाँ पर से परफॉर्मेंस अभी इस साल मार्च क्वार्टर के अंदर 2021 मार्च क्वार्टर के अंदर थोड़ा बहुत तो इम्प्रूव आया है वो आप लोग बोल सकते हो, पर जितना कंपनी का वैल्यूएशन है उसके हिसाब से यहाँ पर इस इम्प्रूवमेंट को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट है नहीं। अभी हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पहले 2020 को 2021 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर से 134 करोड़ रुपीज़ की कंपनी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, और अभी की बात करें तो 364 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम की बात कर लेते हैं, तो टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम फॉर द पीरियडिक ईयर, तो यहाँ पर आप लोगों को टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम में भी इजाफा देखने को मिल रहा है, जो आप लोग देख सकते हो। अभी की बात करें 2021 मार्च क्वार्टर
तो यहाँ पर 147 करोड़ रुपीस का कंपनी ने टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम दिखाया है, और इस साल 2021 के अंदर इस साल क्वार्टर परफॉर्मेंस दिया है 365 करोड़ रुपीस का, ठीक है। तो ये अगेन अच्छी बात है। यहाँ पर से अर्निंग पर शेयर की बात कर ले तो अर्निंग पर शेयर में भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इजाफा देखने को मिल रहा है क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो ऐसा ही परफॉर्मेंस कंपनी देती रही तो आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है ये कंपनी। लोन्स की बात की जाए तो लोन्स आप लोगों को देखने को मिल जाते, पहले कोई भी लोन नहीं थी, अभी की बात करें तो 4557 करोड़ रुपीस की लोन है अभी। और बोरोइंग्स की तो बात ही मत करना, अदानी ग्रुप के अंदर बहुत ही ज़्यादा बोरोइंग्स होती है अदानी ग्रुप के कोई भी शेयर में। तो यहाँ पर से बोरोइंग्स की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 1200 इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 1216 करोड़ रुपीस का बोरोइंग्स था 2020 के अंदर, और अभी की बात करें 2021 के अंदर 2148 करोड़ रुपीस का कंपनी में बोरोइंग है, ठीक है। तो ये भी एक आप लोगों को ध्यान में रखना है। और अभी हम बात कर लेते हैं अगेन बोरोइंग्स ऑलमोस्ट इसमें भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बोरोइंग आ चुका है। तो अभी की बात करें 3162 करोड़ रुपीज़ का बोरोइंग्स है अभी के मामले में, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी है। और अभी हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट शेयर की चार्ट पैटर्न और कंपनी ने कैसा रिटर्न दिया है मंथ एंड मंथ बेसिस पर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर से अदानी ग्रीन के ऊपर आ चुके हैं आज के दिन 1.8% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर हम बात करें 5 डेज़ की, तो 5 डेज़ में कंपनी ने अच्छा खासा आप लोगों को रिटर्न तो नहीं दिया है, फ्लैट रिटर्न है। और उसके साथ साथ 1 ईयर की बात, 1 मंथ की बात करें तो नेगेटिव रिटर्न है 11% का। और यहाँ पर आप लोगों को 6 मंथ की बात की जाए तो 6 मंथ में कंपनी ने 23% का रिटर्न दिया है, 24% का रिटर्न दिया है। वन ईयर की बात करें तो कंपनी ने 400% का रिटर्न दिया है। तो जिन लोगों ने वन ईयर इन्वेस्ट किया था उन लोगों को 400% का रिटर्न, और जिन लोगों ने छः मंथ इन्वेस्ट किया है इस कंपनी के अंदर तो आप लोगों को देखने को मिल जाता है बस 23-24% का रिटर्न। तो भाई ये जो डिफरेंस है ना, जो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं ना उन लोगों को ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, 5 ईयर से ज़्यादा का जो भी इन्वेस्ट करेगा इस कंपनी के अंदर उन लोगों को बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। जो आप लोगों को इसमें डीप देखने को मिले इस शेयर के अंदर तो आप लोग 100% बाय कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। पर आप लोगों को इस लेवल पर अभी बाय नहीं करना है, पी बहुत ज़्यादा चल रहा है इसीलिए। और अभी आप लोग इसका जो कंपनी का अभी परफॉर्मेंस देखोगे तो इतना अच्छा है नहीं, और रिजल्ट बेहतरीन आया है ऐसा ही आप लोग बोल सकते हो, पर परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा मेरे को अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अभी हम बात कर लेते हैं ईयर ऑन ईयर मतलब 5 साल के अंदर टोटल मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में। यहाँ पर 2018 में कंपनी लिस्ट हुई है और अब तब से लेकर अभी तक 3500% का रिटर्न दिया है। तो ये अगेन एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात है मेरे हिसाब से, तो यार बहुत ज़्यादा गजब के रिटर्न्स देते हैं कंपनियाँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बस गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।